तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, कि ये जो आपके पप्पी के जो जॉइंट्स होते हैं, चाहे आपका बड़ा डॉग हो चाहे पप्पी हो, ये यहाँ पे क्यों निशान पड़ जाते हैं, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। शायद मुझे लगता है कि 99% जो डॉग्स हैं, जो पप्पी हैं, उन सबको ये दिक्कत जो है वो होती है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और जैसे उनका पप्पी फिर बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बावजूद ये है ना और ज़्यादा बढ़ते चले जाती है। तो ये दिक्कत होती क्यों है, आप इसको समझने की कोशिश करना। अभी जैसे ये यहाँ पे फर्श पे बैठा हुआ है, चाहे लेटा हुआ हो, तो ये जॉइंट है, ये जॉइंट जो है जब जमीन से टच होगा तो यहाँ से इनके रेगुलरली जो है वो बाल जो है गायब होने शुरू हो जाएंगे, रगड़ लग लग के। देखो आप यहाँ से, अब यहाँ पे जो है वो इनके बाल नहीं है, तो जब इनके यहाँ पे बाल नहीं है तो ये आपको वाइट स्पॉट लगेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा होता है जब आपका डॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि 2.5-3 साल का, तब ये पोर्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ से जो स्किन है उसका गुच्छा टाइप ऐसे बन जाता है। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पीछे वाले पैर में भी देखने को मिलेगी। देखो, अब ये कोई बीमारी नहीं है, बस ये जॉइंट्स हैं, लेटते बैठ उठते टाइम ये इनके यहाँ से रगड़ लगती है और धीरे धीरे बाल टूटते हैं। अब इसको देखो आप, ये सिम्बा है, इसने दोपहर का खाना खा लिया, अब ये बिल्कुल मजे में जो है वो लेट रहा है, और मतलब नींद आने, फुल नींद आने के उसमें है, मतलब नींद आ रही है इसको, आलस आ रहा है। इसीलिए मैं वीडियो भी इस टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये शांति में कभी बैठते नहीं है ना वीडियो बनाने देते, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका नारियल का तेल है, आप देख सकते हैं 10 रुपये की CC है, छोटे वाली। अब इसको ये दिख गई है, इसे ट्राई करेगा कि इसे दे दो ये। देखो, शुरू हो गई इसकी एक्टिविटी। खैर दोस्तों, आप जो ये CC है नारियल के तेल की, ये लें और इस तेल को इनके यहाँ पे लगाएं जॉइंट्स पे। ऐसा होगा कि जब आप इसको लगाओगे तो ये इसको चाट लेंगे, ठीक है। और मतलब पर ये नहीं है कि ये ठीक नहीं होने का, भले ही ये इसे लगने के बाद चाट भी लें, लेकिन ये ठीक जरूर हो जाएंगे। मैं अभी हफ्ते में 2 बार लगा रहा हूँ, और अगर आप रेगुलरली लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा था पहले, अभी काफ़ी आराम है इनके। मतलब आप भी इसको अप्लाई करें। अब देखो, इसने ये सूंघ लिया, अब ये कह रहा है कि मुझे दे दो बस ये। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप है ना अपना एक ही 10 रुपये की CC लाएं, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं पड़ने का, ना इसका कुछ नुकसान होगा। अब देखो, ये मुझे लगाने नहीं देगा, अब इसको ये चाहिए। और होता भी यही है कि जब भी मैं इसके लगाता हूँ ना, फिर ये इसको चाट लेता है। तब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसके ना आपको बस यही करना है। अभी मैं वीडियो में आपको, ये शायद मुश्किल ही है जो करके दिखा पाऊँ, बट मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। आप ये नारियल की एक छोटी सी 10 रुपये की CC लाएं, ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। और इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो इन जॉइंट्स पे लगाएं रेगुलरली, जब आप लगाओगे तो आपको आराम देखने को महसूस होगा। देखो, मैंने लगाई थी ना, इसने शुरू कर दिया अपना काम। कोई नहीं, इतने हमें मौका मिल गया, हम इसके दूसरे जॉइंट पर लगा देते हैं, भले ये इसको ख़त्म कर दे। अब ये लगाने नहीं देगा मुझे बिल्कुल भी, हो गया शुरू। खैर दोस्तों, मुझे आपको वीडियो में यही दिखाना था कि इस जॉइंट्स का क्या इलाज है, काफ़ी लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे, ठीक है। चलो, अगर सिम्बा नहीं लगवा रहा तो हम शेरू के ऊपर ट्राई करते हैं, शायद शेरू लगवा ले। ये इसका भी नाना है, ये क्यों लगवाएगा, ये चल दिया निकल के बाहर। तो दोस्तों, वीडियो में यही बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी, कि अगर इनके जॉइंट्स पर आपके पप्पी के या डॉग के कोई दिक्कत है तो आप नारियल का तेल लगाएं, उससे आपको आराम मिलेगा और कोई दिक्कत जो है वो देखने को महसूस नहीं होगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राई एंड टेस्टेड है, इसका कुछ भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो दोस्तों, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।